देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलामुअलैकुम, और लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, शौकीनों की पुरजोर फरमाइश पे अब दिन के अंदर जो है वो खलील भाई हमारे रामसामी वाले उनका शौक़ आपको दिखा रहे हैं जोड़ेबाजी के हवाले से। खलील भाई अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? खलील भाई, देखने वालों को बताइएगा, अभी जो आपने नया जोड़ेबाजी का सेटअप किया है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कौन कौन सी ब्रीड के ऊपर अब आप काम कर रहे हैं? जी खलील भाई, तो ब्रीड के हवाले से बताइएगा, अब आप हमें कौन सी ब्रीड जो है वो दिखा रहे हैं और किस ब्रीड के ऊपर आप काम कर रहे हैं? अपना ब्रीड तो ये घाघरे काबरे की और मतलब फिरोजी काबरे चल रहे हैं आजकल, तो हमारे पास गुलदार हैं ये फिरोजी में ना। अच्छा, गुलदार काबरे हैं ये, बाकी लोगों के पास हैं वो मतलब इतने गुलों में या मतलब अभी वो लोग कर रहे हैं मतलब मेहनत, बाकी हमारे पास गुलदार काबरे हैं फिरोजों में। अच्छा, तो अभी ये जो जाल के पास आप खड़े हुए हैं ये इसके बारे में बताइएगा, ये पट्ठों का जाल मुझे नज़र आ रहा है, किस हवाले से? ये पट्ठों का जाल है, ये मादियों का है ना, मतलब पट्ठी मादियाँ इसमें सारी। अच्छा, नर मादाएँ आपने अलग अलग की? अलग अलग की हुई हमने। अच्छा ठीक, तो बात ऐसी है कि ये हमारी सेटिंग जो है ना शुरू से मतलब नर मादियों की अलग अलग है ये। अच्छा, कोई ख़ास वजह इनको अलग अलग करने की? खास वजह ये है कि ये जोड़ वोड़ नहीं खाती हैं और अपनी तैयारी से अपनी जान के अंदर ना भरपूर मतलब बेहतर रहती हैं ये। अच्छा, अगर जैसे ब्रीड ब्रीड करवाएं तो फिर वो उसमें? हाँ मतलब माशाल्लाह से बेहतरीन चलेंगी ये ब्रीड के अंदर, ये सही सही मतलब कमी नहीं करेंगी अंडे बच्चों के अंदर ना। अच्छा, आपने फेरोजी काबरों का जिक्र किया है तो मैं कुछ कश्परों की भी जो पट्ठे देख रहे हैं उसके अंदर, तो कश्परों के हवाले से बताएं कि आपने? बाशिर भाई, आपने कश्परे बहुत देखे होंगे माशाल्लाह से, ये बनारसी कश्परे जो है इसकी हम सेटिंग में लगे हैं और ये इतने मतलब पखपर रहते हैं, हमने काम करके ये बहुत कश्परों पर हमने इसको लिया है। अच्छा जी हाँ, बनारसी कश्परे हैं सही, तो ये भी माशाल्लाह से मेरे पास हैं अच्छे खासे, ठीक हो गया। तो इसकी भी मतलब हमने ब्रीड मतलब दे रहे हैं और मतलब पट्ठे वगैरह निकल रहे हैं, कुछ कुछ इसमें से बेचे वगैरह भी हमने। अच्छा हाँ, सही सही। तो दोस्तों इनका शौक़ भी दिखाते हैं, ये मादियों का सेटअप है, आइए खलील भाई, और ये जो है नरों का सेटअप है, और ये आपने नर अलग अलग अलहदा किए हैं। जी हाँ, ये नर अलग किए हैं। पेड़ के हवाले से बताइएगा, आपके कुछ पेड़ कहीं और भी पड़े हुए हैं और कुछ पेड़ यहाँ भी हैं? पेड़ कुछ नीचे भी हैं, कुछ मेरे पास जो है ना ऊपर भी पड़े हुए हैं पेड़। सही सही, यहाँ कौन कौन से पेड़ हैं? यहाँ दो कासनी काबरों के पेड़ हैं, आइए दिखाते हैं आपको दोस्तों। एक फिरोजा काबरा है गुलियर, ये तो कश्परे का जोड़ा डाला हुआ है, कश्परे जंगले का जोड़ा डाला हुआ है इंडियन, ये इंडियन कश्परा, ये देखिए इसकी चूड़ियाँ बनी हैं, परियाँ वो अपना गंडे भी हैं और मतलब परियाँ भी बनी हुई हैं। ये नर ऊपर इन्होंने खेरी गंडेदार मादा डाली हुई, ऐसे कश्परे आपको बहुत ही शादो नादर देखने को मिलेंगे। पत्थर का बन के बैठ गया, जबरदस्त। एक जोड़ा ये है, नीचे सबस के भी आपने जोड़े डाले हुए, खोलना ताला खोलो, ये मैं जब तक ये वाला जोड़ा दिखाता हूँ आपको, एक जोड़ा ये है, ठीक है जी, एक जोड़ा ये है दो बच्चों के साथ, ये आ गया सबस गुलियर का, बंद कर दो। और ये कैसे हैं? ये पट्ठे पड़े हुए हैं, ये पट्ठे हैं ये, ठीक है जी। और ये आ गया नरों का सेक्शन,
ये सारे आपकी घर की ब्रीड है? जी हाँ, घर के पट्टे हैं, सब नर कबूतर हैं दोस्तों। जरा एक आधा बाहर निकाल के दिखाएं, घाघरा काबरा भी, और ये सारे सही है। सही है, सही है। सही है, छोड़ दें। वो जो नीचे घाघरा काबरा है वो वाला दिखाइएगा। चलिए नीचे से दिखाएं तवा इसका। वो जो घाघरा बनारसी वो दिखाइए, वो कोने में बैठा हुआ। गंडा देख लें दोस्तों, इधर छाया में करके दिखाएं। जबरदस्त, ये भी घर की ब्रीड है आपकी? ये भी घर की है। सही है। वो एक बंद काबरा है वो दिखाइए जरा। माशाल्लाह, इसको ऐसे करें, नहीं नहीं ऐसे ऐसे। सर ये नीचे से दिखाएं, लिपटा हुआ है गुलों में, माशाल्लाह जबरदस्त। एक और है वो कोने में, वो दिखाइए। दूसरा बाजू भी देख लें दोस्तों, जबरदस्त। जबरदस्त माशाल्लाह, चेहरा दिखाएं इसका, सीना देख रहे हैं दोस्तों। सही है, छोड़ दें। सबस गुलदार भी आपके पास निकले हुए? सबस गुलदार एक नर दिखाइए। ये भी गुलदार है जो आपने पकड़ा? ये भी गुलदार है, और भी गुलदार है। हाँ, ये गुल निकले हुए हैं इसके।
यहाँ पकड़ते नहीं है। जबरदस्त, छोड़ दे। ये देखने गोल सीना दिखाएं इसका सामने से। जबरदस्त, छोड़ दें। अब हम चलते हैं मादाओं के सेक्शन की तरफ। मादाओं का सेक्शन ये है। सबसे पहले आप मुझे ये सामने जो लाल बल मादा बैठी हुई है सफ़ेद घंटों की, ये दिखाइए। बिल्कुल दो पट्टी की हो रही है। इधर छाया में दिखाएं थोड़े से, यूं करें यूं। माशाल्लाह, जबरदस्त, छोड़ दें इसे। एक मिनट, पहले मैं आपको दोस्तों ये सारा सेक्शन दिखा दूं, फिर आपको कबूतर भी दिखाते हैं। मुखी भी डाला हुआ इन्होंने ब्लैक, ये देखें खैरी मादा बिल्कुल सफ़ेद गंडा। चलिए अंदर, चलिए, फड़फड़ाएंगे ये। आटो ये पट्टा नरे मादा है घाघरा काबरा। ये घर की पट्टी है आपकी लाल बन जो खैरी? ये घाघरा पट्टा भी आपके घर का है? मेरे घर का ही है। कौन है?
अब दिखाइए इसके अंदर से, काबरा दिखाइए मुझे। कौन सा कवर? घाघरा। घाघरा काबरा दिखाएं। ये गुलों में पैक होने शुरू हो। माशाल्लाह जबरदस्त। छोड़ दें, ये जो एक सैडल सी मादा, ये आपने किस लिए रखी हुई? ये इनसे काबरों की मतलब हम लोग कभी रोजा काबरों से डाल देते हैं इसको। अच्छा। और कभी घाघरे काबरों से डाल देते हैं। अच्छा। ये इनसे भी गेम बनाती है हमारे पास ना, वाइट डंडों के काबरे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ये वाला काबरा दिखाएं। देखने नीचे तक लिसा हुआ पूरा जबरदस्त। छोड़ दो, अब हम आपको इनका नीचे का जो सेटअप है वो दिखाएंगे। नीचे जो जोड़ों का सेटअप रखा हुआ है इन्होंने जी। तो दोस्तों हम खलील भाई के एक और जोड़ों की सेटअप की तरफ आ गए हैं जी। खलील भाई इधर कौन सा सेटअप है आपका? ठीक, ये देखिए ये बिल्कुल नीचे डाले हुए दो सेटअप इनके, एक और जगह भी लगे हुए हैं काबरों के। किसी दिन मौका मिला तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये खोलो ज़रा, ये बच्चा निकला हुआ एक। अमरी गावरी मादा है और सबज गुलदार नर है। अच्छा, फिरोजा काबरे जितने भी हैं वो यही जोड़ा निकाल रहा है? यही निकाल रहा है मेरे पास। ये तो दोस्तों टिप आ गई है आप लोगों के पास एक। कोपर भी बहुत अच्छे निकलते हैं इनके, कोपर और जरा। अच्छा, ये बंद करें दरवाजा। और एक जोड़ा ये है, बनारसियों की निकली हुई। सही, इसको बंद करें। और ये इनका मशहूर ज़माना माशाल्लाह। ठीक हो गया, इसको बंद करें। कश्मीर का जोड़ा ये है, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे बनारसी है। ज़रा लाइट दीजिए, अच्छे निकले।
बना रहे हैं, पट्टे वट्टे ये इसी जोड़े के? जी हाँ इसी जोड़े के। यदि गंडा झाड़ा हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा नहीं तो भाई गंडों का पहुंचा रही है। सही है जी। खलील भाई देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के खत्म में? बशीर भाई बस यही है कि शौक जो ना अच्छा परिंदे रखें और अच्छे तरीके से मतलब उसकी देखभाल करें और अच्छी से अच्छी ब्रीड बनाने की कोशिश करें। सही हाँ, बोले घाघरा काबरा हो या समझ काबरा हो या मतलब टच पर है, अच्छी से अच्छी ब्रीड को जो ना तैयार करके सामने लेके आए ताकि लोग देखें तो उसको पता चले कि भी कुछ चीज़ बनाएंगे। ठीक है ठीक। तो अभी हम जो ना हमारा गाँव है जो ना सबज हो गए और घाघरे काबरे पे और टच पर हो गए बनारसी। सही इन पे जोर है मेरा। ठीक है ठीक है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों के लिए इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी, चैनल के साथ बने रहिए, शौक़ आपको दिखाते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।